हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेजी। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेएनयू यूजी का लास्ट ईयर का सीयूईटी का कट ऑफ क्या था फॉर द सब्जेक्ट बीए इन स्पेनिश। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2023 के लिए आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, इस वीडियो को पूरा देखिए अगर आप जो है बीए स्पेनिश जेएनयू में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो अभी तक एग्ज़ाम हो गया है, अब आपको पता चल गया होगा कि आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितने बन रहे हैं, कितने स्कोर्स आ रहे हैं। और इसी के लिए मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो गलत हो गए थे, और जब तक आप उसको चैलेंज नहीं कीजिएगा आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो जो क्वेश्चंस आपके गलत हैं, जो आंसर की गलत है उसके क्वेश्चंस को आपको चैलेंज करना है। तो इसी के लिए आपको जो है 8448878849 आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है, और आपके साथ जो है कौन कौन से आप जिस भी डेट को आपने एग्ज़ाम दिया था उन डेट के कौन कौन से जो प्रोविजनल आंसर की आएंगे तो उसके हिसाब से बताया जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस गलत थे, क्योंकि इस बार के भी एग्ज़ाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिसके ऑप्शन ही नहीं अवेलेबल थे। तो उन सबको चैलेंज करने में आपको मदद की जाएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके आप शेयर करें। और अब जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीए स्पेनिश के लिए। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सीट मैट्रिक्स, और ये ज़रूरी हो जाती है क्योंकि अगर आपको नहीं पता है कि जेएनयू में अगर मान लीजिए स्पेनिश के लिए कितनी सीट है तो फिर आप अप्लाई कैसे कीजिएगा। तो कैटेगरी वाइज सीट्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा जो सीट है वो जनरल कैटेगरी में 15 है, शेड्यूल कास्ट में 6 है, शेड्यूल ट्राइब में 3 है, PWD में 2 सीट है, OBC 11 है और EWS के टोटल 4 सीट्स है। तो टोटल जो स्पेनिश की सीट हो जाती है वो है 39। अब ये सीट्स क्यों इंपॉर्टेंट है ये हम लोग डिस्कस करेंगे जब जो है प्रेफरेंस की बातें आएंगी, और प्रेफरेंस आपका अगर सही नहीं हुआ तो फिर आपके एडमिशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रेफरेंस के बारे में भी जानकारी के लिए आपको 8448878849 पे कॉल या मैसेज करना है, और आपको प्रेफरेंस के बारे में बताया जाएगा कि सही प्रेफरेंस किस तरीके से फिल करना है। तो जो सबसे पहला कट ऑफ था बीए स्पेनिश का, आप यहाँ पे ऊपर में जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे हम लोग ने सीट्स को भी मेंशन कर दिया गया है। तो सबसे पहला जो अगर हम लोग बीए स्पेनिश का फर्स्ट कट ऑफ की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी का 91। अब आप बोलिएगा सर एग्ज़ाम तो 500 मार्क्स का हुआ था जिसमें कि आपके 300 जनरल टेस्ट के थे और 200 आपके इंग्लिश टेस्ट के थे। तो जेएनयू ने क्या किया है कि 500 में आपके जितने भी आपके स्कोर्स आते हैं उसको परसेंटेज में निकाल लिया जाता है, और ये परसेंटेज में निकालने के बाद जो यहाँ पे जो आप कट ऑफ देख रहे हैं ये परसेंटेज में है, और ये जो है कि रैंक है, ये उस स्टूडेंट का रैंक है जिसका एडमिशन जो लास्ट कैंडिडेट जिसको उस कैटेगरी में एडमिशन दिया गया उसके रैंक है, ऑल ओवरऑल रैंक है। और टोटल आप यहाँ पे देखिएगा P1 स्टूडेंट्स होते हैं या P2, दो अलग अलग कैटेगरीज हैं जो ऐसे हैं जिन्होंने 2022 में या फिर मान लीजिए जिन्होंने 2023 में इस बार जिन्होंने बोर्ड दिया है वो P1 में आएंगे, और उससे पहले वाले स्टूडेंट जो P2 में आ जाएंगे। तो लास्ट ईयर की अगर हम लोग बात करें तो जनरल कैटेगरी का जो फर्स्ट कट ऑफ था वो 91.94 था, शेड्यूल कास्ट का 82 था, शेड्यूल ट्राइब का 77, PWD 43, OBC 89 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS भी 89.76। वहीं P2 की बात करें तो 95, शेड्यूल कास्ट का 89, शेड्यूल ट्राइब का 76। ये ब्लैंक इसलिए क्योंकि इन्होंने कोई कट ऑफ रिलीज नहीं किया, जस्ट बिकॉज नो वन अप्लाइड इन दिस कैटेगरी। OBC का 94 और EWS का 91। तो P1 स्टूडेंट्स के लिए टोटल 80% ऑफ द टोटल सीट्स होती है, और P2 स्टूडेंट्स के लिए 20% सीट्स होती है। तो P2 स्टूडेंट्स के लिए सीट कम होती है, इसलिए आप देखिएगा कि कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है। यहीं अगर अब हम बात करें बाकी सेकेंड कट ऑफ जो जेएनयू के द्वारा रिलीज किया गया था, तो जितने ब्लैंक हैं इसका मतलब कि कोई कट ऑफ ही नहीं निकला। तो आप समझ सकते हैं कि कॉम्पिटिशन कितना हाई है, स्टूडेंट्स को स्टूडेंट जो है एक बार एडमिशन लेने के बाद अपना कैंसिल नहीं कराते हैं। तो जनरल कैटेगरी का आया था सेकंड कट ऑफ 90, शेड्यूल कास्ट का 80, PWD का 38 और OBC का 39, वहीं शेड्यूल कास्ट P2 कैटेगरी में 78। अगर हम लोग थर्ड कट ऑफ की अगर बात करते हैं तो शेड्यूल
कास्ट का आपका 78 हो गया, जनरल का, अब देखिएगा ज़्यादा कट ऑफ नहीं हो रहा है, 1% का डिफरेंस हो रहा है, 1% का डिफरेंस का मतलब हो जाता है 5 मार्क्स का डिफरेंस हो जा रहा है। और PWD का 36, OBC का 88, अगेन शेड्यूल कास्ट का एक सीट का था वो है 76। अब आप बोलिएगा कि एक सीट कैसे है, क्योंकि देखिए फोर्थ रैंक तक तो सेकंड कट ऑफ में एडमिशन हो गया था, जिनका फिफ्थ रैंक था उसको नेक्स्ट में एडमिशन मिला, तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना हाई है, एक ही स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ था। सिमिलरली आप जैसे यहाँ पे जनरल कैटेगरी में भी चेक कीजिएगा, सेकंड कट ऑफ तक 49 का एडमिशन हुआ था, और जो थर्ड कट ऑफ निकला 50th जिनका रैंक था उनका एडमिशन हुआ, यानी एक स्टूडेंट के लिए जो है थर्ड कट ऑफ निकली थी। वहीं फोर्थ कट ऑफ की अगर बात करते हैं तो 89 जो है जनरल कैटेगरी, अब यहाँ रैंक की बात कीजिएगा तो ये 81 आ जाता है। इससे पहले हम लोगों ने रैंक देखा था थर्ड कट ऑफ में 50, इसका मतलब ये नहीं कि इतने स्टूडेंट्स का एडमिशन हो गया। अब क्या है कि बहुत सारे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन ले लिया, तो इसलिए ये रैंक जो है नीचे वालों को एडमिशन मिल जाता है। और फिर हम लोगों ने देखा कि पहले जो है थर्ड सेकेंड में जनरल कैटेगरी P2 कैटेगरी स्टूडेंट के लिए नहीं निकला था, लेकिन फिर यहाँ पे निकल गया। दिस मीन्स कि कोई एक ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अपना नाम कैंसिल करा लिया, कहीं और एडमिशन ले लिया, या किसी और कोर्स में एडमिशन ले लिया, तो उनके लिए फिर से सेपरेट कट ऑफ निकलती है। AWS के 87, OBC के लिए 87 था, वहीं P2 स्टूडेंट्स OBC के लिए 90 सीट्स थी। वहीं फिफ्थ कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी का 87, यानी अगर हम फर्स्ट कट ऑफ से बात करें तो 91 से लेकर 87 तक आपका जो है कट ऑफ डाउन गया है। तो ये भी एक रेंज से पता चल जाता है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो इस ब्रैकेट में आएंगे और उनको एडमिशन मिल पाएगा। शेड्यूल कास्ट का 78 और ये OBC का 87, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब एग्जाम हो गया है, अब एक एक क्वेश्चन के भी मार्क्स आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और 91 × 5 अगर आप करते हैं तो अराउंड हो जाता है आपका 455, यानी 500 में 455 कम से कम अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि फिफ्थ कट ऑफ में आपका एडमिशन होना है, यानी कि 500 में कम से कम जनरल कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं तो कम से कम 470 मार्क्स तो आनी चाहिए सो दैट कि आपका एडमिशन हो पाए। तो वो बहुत ही ज़रूरी हो जाती है कि आप कितने अच्छे से तैयारी करते हैं। और जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2024 के लिए एडमिशन लेना चाह रहे हैं, जो 2024 में आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, JNU की जैसे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो एग्जाम टेजी की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस, स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर्स सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। तो फटाफट आपको इस नंबर पे कॉल या मैसेज करना है, या फिर आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को भी फिल कर दीजिए। और आप देख रहे हैं कि कॉम्पिटिशन 500 में कितना हाई कट ऑफ जा रहा है, तो जितना अच्छे से आप प्रिपरेशन कीजिएगा उतना अच्छा चांसेस हो जाता है कि आपका एडमिशन हो पाए। इसीलिए एग्जाम टीचर की तरफ से ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है, प्रैक्टिस पेपर्स दिए जाते हैं कि आप जो है अपना प्रिपरेशन कर पाएँ। और जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2023 में एडमिशन आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, तो फटाफट इस नंबर पे मैसेज कीजिए, सो दैट जब भी प्रोविजनल आंसर की आपके जो लॉन्च की जाएगी, प्रोविजनल आंसर की आने के बाद जो है फिर यहाँ पे चैलेंज का प्रोसेस शुरू होगा, और अगर आप चैलेंज नहीं कीजिएगा तो फिर आपको मार्क्स भी नहीं मिलेगा। और लास्ट ईयर भी हम लोगों ने देखा था, इस बार भी जब हम लोगों ने बात की तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये कहना है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस गलत थे, तो उन सारे क्वेश्चंस को फिर चैलेंज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फटाफट आप जो है व्हाट्सएप कीजिए सो दैट आपके साथ सारा डिटेल शेयर किया जाए। इसके अलावा भी आपके पास कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो के कॉमेंट में भी कॉमेंट कर सकते हैं और आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर लें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होता है वो सारा आपके साथ शेयर किया जा सके। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।